नमस्कार दोस्तों, मैं विकास कुमार बनवाल आपके चैनल बनवाल ट्यूटोरियल्स में आप सभी लोगों का तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का ये वीडियो में मैं काफ़ी इंपॉर्टेंट जानकारी देने जा रहा हूं, क्योंकि भारत सरकार जो है एक नया तकनीक ईजाद की है जिसमें बॉर्डर एरिया को जो है सुरक्षित पहले से ज़्यादा किया जा सके। इसी को देखते हुए जो है भारत सरकार ने टेंडर निकाल कर पाकिस्तान और बांग्लादेश के जो भी बॉर्डर के इलाके हैं उसको जो है घुसपैठ रोकने के लिए जंग रोधी एंटी कट फेंसिंग लगाना शुरू कर दी है। तो चलिए जानते हैं क्या है एंटी कट फेंसिंग, जंग रोधी एंटी कट फेंसिंग। उससे पहले मैं बता दूं कि भारत और पाकिस्तान की सीमा जो है जिसको हम लोग रेड क्लिफ लाइन 1947 में 15 अगस्त को इसको जेके बाई जम्मू कश्मीर में जो है बाई सर सिरिल जॉन रेडक्लिफ के तत्वावधान में जो है इसका गठन किया गया था, और जो है 1947 में इसका रेडक्लिफ लाइन का समझौता किया गया था। तो और मैं बात करूँ एलओसी की, जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पाकिस्तान और इंडिया के बीच है, कि ये बॉर्डर लाइन काफ़ी फेमस है। तो भारत सरकार लगातार अपने बॉर्डर को सुरक्षा के लिए जो है तत्पर है। इसी को देखते हुए जो है लगातार निगरानी कड़ा की गई है, और जो जो इलाके हैं जो उस क्षेत्रों में जाके जो है सरकार सुरक्षा का व्यापक इंतजाम कर रही है। और जल्द ही जो है आपको इसका देखने को मिलेगा कि ज़्यादा जवानों को बॉर्डर पर जो है बार बार पेट्रोलिंग करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ऐसा टेक्नोलॉजी का निर्माण जो किया गया है देश में, जिसकी सहायता से जो है आर्मी के जवान बॉर्डर की सुरक्षा पूरी तरह से कर सकेंगे। तो ये देख सकते हैं कुछ तस्वीरें, ये दो तस्वीर दिखाई गई कि किस तरह से जो है बॉर्डर इलाका में इंडियन आर्मी जो है गश्त कर रही है, और अपना नौसेना को बार बार संकेत भी भेज रही है, गवर्नमेंट को भेज रही है, यहाँ तक कि सेंट्रल गवर्नमेंट को, सेंट्रल हाई कमिश्नर जैसे बॉडी को भेज रही है। इससे क्या हो रहा है कि सरकार भी देख रही कि नहीं किन किन क्षेत्रों में स्थिति क्रिटिकल है वहाँ ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है, तो सरकार उस पर भी फोकस कर रही है। तो चलिए मैं बता दूँ इसका क्या है वीडियो का महत्वपूर्ण बिंदु, तो इससे क्या क्या पॉइंट्स निकल कर आया है। सबसे पहले स्टील से बनी हुई एंटी कट क्रॉसिंग की बार दोनों तारों के बीच 5 मिलीमीटर की कम जगह है, बार पर कोई औजार नहीं कर पाएगा काम, तार इतनी मजबूत है कि इसे काटना आसान नहीं। भारत सरकार ने प्राथमिकता फिलहाल पंजाब और कश्मीर में लगे किसान की 1900 किलोमीटर लंबी सीमा पर एंटी कट फेंसिंग करना है, ताकि घुसपैठ को पूरी तरह से रोका जा सके। यार सरकार ने साफ तौर पर कहा है कि ये एंटी कट फेंसिंग जो लगाई जा रही है राज्य स्तर पे, जिला स्तर पे के साथ साथ जो भी बॉर्डर में है, जो जो राज्यों से गुजरती है, जैसे कि जम्मू कश्मीर हो गया आपका, पंजाब हो गया, इधर से आप बात करो तो राजस्थान हो गया, गुजरात हो गया, सभी इलाकों में जो है व्यापक स्तर पर जो सरकार पैसा खर्चा कर रही है बाड़ लगाने के लिए, फेंसिंग करने के लिए। बांग्लादेश के बॉर्डर में फेंसिंग भी जो है इस तरह का टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके किया जाएगा, ताकि घुसपैठ को रोका जा सके। आए दिन जो है आपको देखने को मिलेगा कि लगातार जो घुसपैठ की कोशिश की जाती है, नाकाम कोशिशें होती है और गोलीबारियां होती रहती है। तो बीएसएफ महानिदेशक के के शर्मा, जो कि हाल ही में इनको नियुक्त किया गया है, हमारी संचालन तैयारी में एक आमूलचूल बदलाव आने वाला है। इस समय हम सीमा पर बिंदु से दूसरे बिंदु तक गश्त करते हैं, अब हमारी एक क्यूआरटी प्रभावित प्रणाली की तरफ बढ़ने की योजना है, और अब तक इस्तेमाल नहीं की गई नई नई तकनीकों का परीक्षण किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि नई प्रणाली किस तरह से काम करेगी, तो आने वाले समय में जो है बॉर्डर में जो भी फेंसिंग करवाएंगे उस पूरी तरह से टेक्नोलॉजी पर निर्भर होने जा रहा है, जिसका संचालन जो है करना आसान हो जाएगा, जिसकी देखरेख करना आसान हो जाएगा, जिसको ऑपरेट करना आसान हो जाएगा। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो भारत सरकार की योजना जो है बहुत ही महत्वाकांक्षी योजनाओं में से एक है, और भारत सरकार गृह मंत्रालय के द्वारा इस योजना की जो है भारत में के बॉर्डर एरिया को सुरक्षित करने के लिए लगातार जो है काम की जा रही है। इसराइल की मदद ली जा रही है, इसराइल का जो मदद लिया गया है उससे जुड़ा मैं आपको कुछ जानकारियां भी आगे देने जा रहा हूं, तो ज़रूर देखें। तो 1 किलोमीटर फेंसिंग की कितनी लागत है, चौमरादों की स्टील से निर्मित इस फेंसिंग सिस्टम को लगाने में 1 किलोमीटर के लिए लगभग 1.99 करोड़ यानी लगभग करीब 2 करोड़ रुपये लागत आएगी। पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर फिलहाल असम के सिलचर में 7 किलोमीटर लंबे इसे लगाया जा रहा है। केंद्र सरकार ने देश की अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं को 10 साल में इस फेंसिंग
सिस्टम से लैस करने की योजना बनाई थी, इसे घटाकर अब 5 साल कर दिया गया है। इसके लिए गृह मंत्रालय, रक्षा विभाग और दूरसंचार मंत्रालय की एक मुफ्त उच्च स्तरीय बैठक बनाई गई है। तो ये जो फेंसिंग लगाया जा रहा है उसमें करीब 2 करोड़ रुपया जो है 1 किलोमीटर के लिए खर्च की जा रही है। तो बहुत बड़ी बात है कि इस तरह से खर्च करना और लगातार ध्यान देना बॉर्डर एरिया में, क्योंकि अक्सर जो है आपको इस तरह का केसेस बॉर्डर एरिया में देखने को मिलेंगे। दूसरे राज्य के नेता हों या और कोई हो, वो आके राज करते हैं, उसी को देखते हुए जो सरकार ने जो है ध्यान दिया है। स्मार्ट फेंसिंग पर भी चल रहा है काम, ली जा रही इसराइली तकनीक की मदद। यानी इसराइल के बारे में बता दूँ कि चीन की सीमा घुसनेटी को रोकने के लिए एंटी कट फेंसिंग के अलावा स्मार्ट फेंसिंग पर भी काम किया जा रहा है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये स्मार्ट फेंसिंग, इसके लिए इसराइली तकनीकी की मदद ली जा रही है। बता दें कि पाकिस्तान और बांग्लादेश की कई सीमा ऐसी है जहाँ बाड़ लगाना संभव नहीं है, बाड़ बंदी संभव नहीं है। इसलिए ICIBSS सिस्टम इंटरसेप्शन टेक्नोलॉजी का सहारा लिया जा रहा है। इसका ट्रायल भी सफल रहा है और अगले 5 साल में इसे लगा दिया जाएगा। नदियों और नालों में सेंसर लगाए जाएंगे। तो बहुत सारे बॉर्डर एरिया से होते हैं जहाँ पे जो है ड्यूटी करना लगातार 2 दिन 3 दिन 4 दिन नहीं हो पॉसिबल होता है, तो उसमें अब क्या है GPS और सेंसर लगाए जाएंगे ताकि उसका लोकेशन ट्रैक किया जा सके और ड्राइवर से जुड़ी सुरक्षा की स्थिति बनाई गई है सभी को फॉलो करवाया जा सके। तो स्मार्ट फेंसिंग का काम जो है जल्द से जल्द देश में शुरू हो जाएगा बहुत सारे। लेकिन देश की बात की जाए तो बॉर्डर ये सरहद के इलाके में, ऐसे नहीं कि अपने देश से दूसरे राज्य की बात की जाए। तो ऐसे काम करती है व्यापक एकीकृत सीमा प्रबंध प्रणाली, बॉर्डर इलेक्ट्रॉनिक सिक्योरिटी इंटरसेप्शन टेक्नोलॉजी पर काम करने वाला CIBMS सिस्टम सेंसर प्रणाली और कैमरे की मदद से सर्विलांस करता है। BSF को ब्रह्मपुत्र और उसकी सहायक नदियों के जलीय क्षेत्र में भारत बांग्लादेश को बिना बाढ़ वाली सीमाओं की चौकसी करनी पड़ती है, इसलिए इस सिस्टम से खासी मदद मिलेगी। कैमरे और सेंसर प्रणाली हर मौसम में 24 घंटे काम करते हैं। 5 वर्ष में लगेगा CIBMS बॉर्डर पर घुसपैठ रोकने के लिए बाड़ लगाने के अलावा स्मार्ट फेंसिंग पर काम चल रहा है। इसके लिए इजराइल सिस्टम की मदद ली जा रही है। तत्कालीन गृह मंत्री राजनाथ सिंह खुद इजराइल जाकर इस सिस्टम को खूबी जानकर आए थे। उसके बाद असम के धुबरी जिले में व्यापक एकीकृत सीमा प्रबंध प्रणाली की शुरुआत की गई थी। यानी CIBMS जो है काफ़ी जो है देश में चलन है, इसका सभी लोग करीब इस्तेमाल करते हैं। तो चलिए आगे कुछ और जानकारियाँ बता दूं कि अभी अधिकांश हिस्से में जो है कंटीली तार हैं उसे घुसपैठ जो है आसानी से काट घुसपैठी आसानी से काट देते हैं। तो कमजोर फेंसिंग वाले क्षेत्रों में एहतियात तौर पर अविलंब जो है सुरक्षा बलों को तैनाती भी की गई है। तो ये था बॉर्डर एरिया से जुड़े हुए तमाम तरह की जानकारियाँ, जिसमें भारत सरकार ने एंटी कट फेंसिंग की जो शुरुआत की है भारत बांग्लादेश और पाकिस्तान के एयरो में, तो काफ़ी महत्वपूर्ण योजना है सरकार की। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।